हाय, आज हम कैपकट की क्विक ओवरव्यू के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए पहले आप एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट, नो मैटर कोई भी हो। तो मैंने एक सेलेक्ट किया, इनपुट करता हूँ, ऐड करना होता है। देन यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वीडियो, और यहाँ पर जो आप देखते हैं नॉर्मल जो कैपकट होता है उसके अंदर यहाँ पर एडिटिंग में जो ब्लॉक जो आता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि यह प्रीमियम है मोड वर्जन, फ्री में इंस्टॉल किया। कैसे करते हैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इसका ओवरव्यू आपको पूरा डिटेल में दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1080p, तो ये जो है गाइस 720p, ये जो HD है ना, ये HD में आप बोल सकते हैं, और 180p इसको फुल HD आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर 2K और 4K, ये 4K और 2K का मिक्सर है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। और फ्रेम पर रेट, ये जो हमारा होता है ना स्लो मोशन, तो 60fps, 40fps, 30fps, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आप 60fps में इस वीडियो को एडिट कीजिएगा। ये इसका काम नॉर्मली आता है कि स्लो मोशन करना होता है, इसको जब स्लो मोशन करना होता है तो 60fps की यूज़ होती है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ओवर क्यूब के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रीडू और अंडू के कुछ ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ रॉन्ग कट लगाता हूँ, यहाँ पर स्लाइप्ड, तो इसके ऊपर क्लिक करके रॉन्ग कट हो गया शायद, तो हमें ये इस कट नहीं लगाना था। ओके, अगर मुझे ये कट नहीं लगाना था तो मुझे अगर गलती से कर दिया तो यहाँ पर मैं रीडू पर क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ पर अंडू पर क्लिक करूँगा, और रीडू पर क्लिक करने के बाद ये पहले हो जाएगा, मतलब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कट लग जाएगा, अंडू तो रीडू। ओके, तो और यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसको आप फुल स्क्रीन एडिट करने के बाद आप फुल स्क्रीन पे प्ले करके भी आप देख सकते हैं। ओके, एंड इस वीडियो को अगर आप चाहे तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए कितना छोटा हुआ है, और आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं बहुत सारा। और हमारा ये जो ऊपर का टाइमिंग है इसको टाइम लाइन बोलते हैं। ओके, इसको टाइम लाइन बोलते हैं, कितना टाइम लाइन वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 4 2 4 1 0, बस कुछ होता है वैसा। ओके, और उसको टाइम लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर ऐड म्यूज़िक में आपको म्यूज़िक भी मिल जाएगा, इसके तरफ से म्यूज़िक मिल जाएगा, या फिर आप फोल्डर से भी इनपुट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, देन यहाँ पर से डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, और भी बहुत सारा फीचर है जिसमें आप चाहे तो लगा सकते हैं। एंड इफेक्ट की भी बात करें तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट है, ये सब साउंड इफेक्ट, कोई वैसा वीडियो की कोई इफेक्ट नहीं है, सब साउंड है, यहाँ पर पूरा साउंड इफेक्ट है। ओके, देन आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड, मतलब आप अपने मोबाइल में कोई भी वीडियो है जिसमें ऑडियो अच्छा है, उस ऑडियो का अगर आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग, अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्ड कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई बैकग्राउंड की, मतलब कोई सॉन्ग नहीं चाहिए, मेरा वॉइस चाहिए, तो आप रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं कि मेरा अपना वॉइस यहाँ पर आप डाल सकते हो। ओके, देन यहाँ पर देख लीजिए, फिर आता है हमारा यहाँ पर क्या ऑडियो हो गया, एडिट के बारे में तो आपको बता ही दिया, कट लगाना होता है कि यहाँ पर इसके तो बेसिक है, तो मैं बता देता हूँ आपको पहले से। एक और यहाँ पर जो क्लिप का ऑप्शन है, ये करेंगे तो ये आपका वाइट बार जहाँ पर होगा वहाँ पर एक कट लग जाएगा। ओके, यहाँ पर एक कट लग जाएगा आपका वाइट बार जहाँ पर होगा, ये देखो। और आपको ये अगर नॉर्मल करना है, मुझे अगर कट नहीं लगाना है, तो यहाँ पर अंडू पे क्लिक करेंगे तो पूरा कट हट जाएगा, देख लीजिए हट गए। हटने के बाद यहाँ पर एडिट तो हो गया, यहाँ पर स्पीड आप इसको स्लो मोशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसके मदद से भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और आप चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नंबर से ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे फ़िलहाल थोड़ा ये स्लो मोशन होता तो अच्छा लगता वीडियो, तो अराउंड में इसमें कर देता 0.6 में, तो ये थोड़ा स्लो मोशन में फिंगर से स्लाइड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं प्ले करके दिखा दूँ, फुल स्क्रीन करते हैं एंड इसको प्ले करते हैं, तो देख लीजिए बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत है, तो छोड़िए, नॉइज़ को हटाना पड़ता है उसके लिए। नॉइज़ हटाने के लिए आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूट का ऑप्शन है, हम देख सकते हैं कि म्यूट का ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर ये म्यूट के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो इसका जो पूरा वीडियो है वो पूरा म्यूट हो जाएगा, ज़रा से भी साउंड नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता है, ऊपर बैक करता है एंड इसको फुल स्क्रीन करके प्ले करता है, यहाँ पर ज़रा से भी साउंड नहीं आएगा।
ओके वो म्यूट हो गया पूरा, टोटली टोटल वीडियो म्यूट हो गया। देन यहाँ पर आते हैं उसके बाद, अरे यार इसको पूरा फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में आप ढेर सारा एनिमेशन आप लगा सकते हो, वैसे तो इसका कुछ खास यूज़ कोई करता नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे यूज़फुल है, अगर आप चाहते हैं तो यूज़ कर लीजिए, अगर आप नहीं चाहते। और ये बस प्राइम में ही आपको मिलेगा, अगर आपके पास प्राइम होगा तो ही आपको मिलेगा। प्राइम कैसे डाउनलोड करना है उसके वीडियो में तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ओके देन आपको आता है यहाँ पर स्टाइल। स्टाइल में आपको कुछ खास ट्रेंडिंग स्टाइल, AI पेंटिंग, बस कुछ स्टाइल्स देखने को मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में, बाद में देख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, काम की चीज़ है, अगर आप चाहे तो इसको काम पे लगा सकते हैं। और चाहिए और गाइस आपको यहाँ पर और एक बात बता दें कि अगर आप चाहते हैं कोई भी फाइल आपने गलती से इनपुट कर दिया, ओके कोई भी फाइल आपने गलती से इनपुट कर दिया, लाइक मैं करके दिखा दूँ आपको एक, चलिए पत्री का इनपुट कर लिया, तो मान लीजिए कि ये जो फाइल है ये मेरा गलती से इनपुट हो गया, मुझे चाहिए नहीं था, तो इसको डिलीट कैसे करना है? यहाँ पर तो ऐसे कुछ फीचर दिखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको डिलीट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर, जिसको आपको डिलीट करना है मुझको इसको डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, इस डिलीट पे ऊपर जब क्लिक करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके ये डिलीट हो जाएगा। देन आपको उसके बाद कुछ फीचर आता है तो वो भी बताया जाता है, डिलीट पर जाता है। देन यहाँ पर लॉक ऑन, लॉक ऑन का फीचर कुछ इस तरह। तो गाइस मेरा इस वीडियो में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो मैं यूज़ कर सकूँ, जैसे कि फेस, मतलब ह्यूमन की कोई बॉडी का कुछ पार्ट्स नहीं है, इसलिए जो लॉक नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बॉडी लॉक करके भी दिखाया था। उसके बाद आप कट आउट कुछ खास नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें क्रोमा की। देन आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए जो जो करना होता है वो इसमें इसके अंदर पाया जाता है। ओके देखो, रिमूव बैकग्राउंड, उसके बाद ऑप्टोमाइज, कट क्रोम की, क्रोमा की, मतलब एक बेसिक चीज़ है, ये सारा बेसिक। इसके पूरा वीडियो में बताने जाऊँगा तो एक घंटा भी लग सकता है, तो इसको मैं बाद में शॉर्टकट में आपको बता दूँगा कुछ और वीडियो में।